लेट मी रीड, पेज नंबर बोलो, पेज नंबर है 7.17, पेज नंबर निकालिए, फिफ्थ इलस्ट्रेशन पे आइए, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन डबल कॉलम, ब्रैकेट में लिखा है कैश और बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक ऑफ अमित मिश्रा, हमारी क्लास में अमित काल रहा है ना, फर्स्ट अप्रैल बिजनेस को स्टार्ट किया कैश से, जिसमें से 40,000 उसने बैंक में डिपॉजिट करवाया। पहले आप पूरा एक, मैं दोनों ऑप्शन बताऊंगी, पहली एंट्री, पहले जनरल एंट्री डिस्कस करते हैं, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल 120, ठीक है। अब इस 120 में से 40 निकाला और बैंक में जमा करवाया, अब अगली एंट्री कॉन्ट्रा बनेगी और बनेगी बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश 40,000, ठीक है, दिस इज वन ऑप्शन। सेकेंड ऑप्शन, अब सीधा करो कैश अकाउंट डेबिटेड बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल, कैश में कितना रह गया 80, बैंक में कितना गया 40, और कैपिटल ओवरऑल कितनी आई 120। मेरे को लगता है सेकंड ज्यादा बड़ी है, कॉन्ट्रा मिस कर देते हैं, स्किप कर देते हैं, आंसर तो सेम ही है ना, वो जैसे मर्जी सॉल्व करे, इट इज डिपेंडेड अपॉन अस। विल यू एग्री, जो मैंने दो ऑप्शन बताई है, फर्स्ट ऑप्शन इज टेल मी, पहले पूरे का पूरा कैपिटल लेके आओ, प्रैक्टिकल हो गए, सोचो ना, पहले एक भी बिजनेस में ले आए, ठीक है, 1,20,000 कैपिटल आई कैश में, फिर उस कैश में से 40 निकाला और बैंक में जमा करवा दिया, डेट सेम, ठीक है, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल 120, फिर कॉन्ट्रा करो बैंक टू कैश 40,000 दोनों साइड पे, ये वाली को छोड़ दो, आप सीधा एक नेट एंट्री करो, कैश अकाउंट डेबिटेड 80,000, बैंक अकाउंट डेबिटेड 40,000 टू कैपिटल 120, डन। तो सेकेंड ऑप्शन के साथ चलें, दैट सीम्स टू बी मोर इजी, और हमारी कॉन्ट्रा भी बीच में स्किप हो रही है, ठीक है दीपांशु, आप पहली वाली भी कर सकते हैं जो मैंने बताई है विद कॉन्ट्रा, करें। सो दिस इज ऑन 1 अप्रैल, कैश में डालिए 80,000, बैंक में डालिए 40,000, और यहाँ पे लिखिए टू कैपिटल, इज इट फाइन विद एवरीवन, हिमांशु ठीक है ऑप्शन, कैश अकाउंट डेबिटेड बोलो, कैश अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, डेट कॉलम यू विल फिल ऑन योर ओन, कैश में रह गया 80, क्योंकि 40 तो मैंने सीधा बैंक में जमा करवा दिया, 80 और 40, चलो जी आंसर बाद में देखेंगे। 7 अप्रैल को हुआ, मैंने 13,000 का सामान, 13,000 का सामान कैश में खरीदा और 7,000 का सामान मैंने चेक में खरीदा, बाय परचेसेस लिख दूं, 13,000 इज फॉर कैश एंड 7,000 इज इन चेक, बाय परचेसेस, ऑल पेमेंट्स आई राइट ऑन द क्रेडिट साइड, दोनों कॉलम फिल हो गए मेरे, दिस इज 13,000, दिस इज 7,000, डन विथ। आगे चलिए, आफ्टर 7 अप्रैल वी हैव 11 अप्रैल, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय चेक, अगर मैं दो ऑप्शन बताऊंगी, एमसीक्यू बनाते हैं, इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक, अगर मैं बोलू इंश्योरेंस प्रीमियम अकाउंट डेबिटेड टू कैश, एक ऑप्शन, दूसरा मैं बोलू ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश, दूसरा ऑप्शन, तीसरा मैं बोलू ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, चौथा तीसरा ऑप्शन, तीनों में से कौन सा करेक्ट है? यस, had it been life insurance तो drawings होता, insurance means business के सामान की insurance करवाई है भाई, stock की insurance होती है, fire insurance word भी वो use कर सकता था, so it is of business, it's not of drawing, had he been writing life, तो life बंदों की होती है, business की life नहीं होती, business के सामान की insurance होती है, you are getting the point, so I will be writing here by insurance premium word लिखना है, लिख लीजिए, नहीं लिखोगे तो भी ठीक है, insurance itself means premium, this is what bank के through payment करी है, check के through payment करी है, this is one by, जब add less करेंगे तो one याद रखिएगा, 12,500, cash withdrawn from bank for office use, चलो जी बोलो entry, cash withdrawn from bank for office use, hurry up, मधुसूदन इतना time नहीं लगता बच्चे, मेरे को जर्नल एंट्री चाहिए पहले, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, कैश विड्रॉन फ्रॉम, मैंने बाय टू बोला ही नहीं, मैंने बोला जर्नल एंट्री बोलो, कैश विड्रॉन फ्रॉम फॉर ऑफिस यूज फ्रॉम बैंक, बिल्कुल ठीक, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, कॉन्ट्रा अमाउंट कौन से कॉलम में, कुणाल कैश के कॉलम में, एंड द अमाउंट ही इज गिविंग मी 4500 डिजिट के नीचे डिजिट, डन। दूसरी साइड पे कॉन्ट्रा बाय कैश, कॉन्ट्रा बैंक के कॉलम में 4500, चलो नीचे आगे बोलो, कुछ गलत है, दोबारा बोलो, दो जैसे मर्जी लिख सकते, सब्जेक्टिव पेपर आना ही नहीं,
दोनों तरह से ठीक है। लेजर फोलियो इज बेसिकली मेंट टू राइट द पेज नंबर, तो वाई टू राइट कॉन्ट्रा देयर, दैट्स वाई आई नेवर राइट। बुक वाला ऐसे ही करता है, मैं बाहर ही लिखती हूँ। आगे चलो, डायरेक्ट पेमेंट टू कस्टमर नदीम इन टू बैंक अकाउंट 16,800। डायरेक्ट पेमेंट अ कस्टमर नदीम, दीपांशु आपने मेरे को एंट्री बोलनी है पहले 21 अप्रैल का, आपने मेरे को मीनिंग बताना। डायरेक्ट पेमेंट अ कस्टमर नदीम इन टू बैंक अकाउंट 16,800, हाँ मतलब बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड। हमने उसे अपना बैंक अकाउंट बता दिया, उसने मेरे से मेरा बैंक अकाउंट पूछा, मैं अपने अकाउंट में से विड्रॉ खुद कर सकती हूँ लेकिन जमा तो कोई भी करवा सकता है। सो माय कस्टमर, मैंने बोला कि तू सीधा मेरे बैंक में ट्रांसफर कर दे, NEFT में हमने करवा दिया होगा, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर भी हो सकता है आजकल तो ऑनलाइन है, ठीक है। हमने उसे अपना अकाउंट नंबर दिया, या ATM मशीन के थ्रू भी ट्रांसफर हो जाता है ना बेनिफिशियरी के अकाउंट में, यू जस्ट इंसर्ट द नोट्स इनटू द मशीन एंड यू गेट इट डिपॉजिटेड टू एनीबॉडीज अकाउंट। सो उसने मेरे से मेरा अकाउंट नंबर पूछा, मैंने बता दिया, उसने सीधा मेरे बैंक अकाउंट में पैसे जमा करवाए। पूरा आपने एंट्री बोलनी, नदीम डिपॉजिटेड द अमाउंट इन अमित मिश्रा's अकाउंट। अमित मिश्रा इज द नेम ऑफ द प्रोप्राइटर, यू नो वेरी फर्स्ट लाइन ही इज राइटिंग। हाँ जी बोलिए बच्चे, वेरी गुड। बैंक अकाउंट डेबिटेड टू नदीम, रिसिप्ट है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू नदीम लिखना है यहाँ पे, ठीक है जी। अगली लाइन का इसके साथ कोई रिलेशन तो नहीं है? नहीं, अलग ही है वो। डन, 16,800 बैंक में लिख दूं? चलिए जी आगे, डेट्स वाला कॉलम खुद चलाते रहना। गुड्स सोल्ड फॉर कैश 21,000 एंड प्रोसीड्स डिपॉजिटेड इनटू बैंक, 24 को सामान बिका और 25 को मैंने बैंक में उसे जमा करवाया। मैं 24 को एंट्री करूं, मैं 24 को एंट्री करूं, मैं 25 को भी करूं, 24 को, यस 24 को कैश आया कैश टू सेल, 25 को कॉन्ट्रा होगी बैंक टू कैश, ठीक है, समझ आ गई। एक ही लाइन में दो एंट्रीज हैं, 24 की को तो सेल हुई और 25 को कहता मैंने उसे बैंक में जमा करवाया, तो डेफिनेटली आई हैव टू पास टू एंट्रीज ऑन कंसेक्यूटिव टू डेज, वन इज ऑन 24th एंड अनदर इज ऑन 25th, राइट। चलिए जी, लेट्स सी क्या लिखूं पहले। कैश टू सेल्स कितने का सामान बिका भाई, 21,000, फिर इस कैश को उठाया और बैंक में जमा करवा दिया। चेक इन हैंड वाला तो केस ही नहीं है, बिकॉज सेल इज ऑन कैश बेसिस नॉट ऑन चेक बेसिस, ठीक है। अगर चेक अगले दिन जमा होता तो यहाँ पे आता चेक इन हैंड अकाउंट डेबिटेड टू सेल, फिर वो एंट्री नहीं आती कैश बुक में। यू आर गेटिंग मी, ठीक है। टू व्हाट, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैश, 25 तारीख को आई एंट्री। कॉन्ट्रा का सी जरूर लिखिए साथ में, और यहाँ पे लिखिए बाय बैंक और अमाउंट लिखिए कैश के कॉलम में, दैट इज 21,000। एनी डाउट टिल नाउ टू एनीवन, यू मे आस्क, यू मे रेज योर हैंड, यू कैन आस्क योर क्वेरी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स एज वेल। All the postings are clear. So when I am writing these items on the debit and credit side of my cash book, I am just posting it into the cash book. Terminology you should be familiar with. Cash withdrawn from bank for personal use. Harshika entry bolo. Cash withdrawn from bank for personal use. Ek minute. Bilkul theek. Drawings account debited to bank by drawings. It's not contra because we are not withdrawing for office use. We are withdrawing for personal use. और बैंक में से कितना विड्रॉ करवाया, 4400. Come to next. Bank charges का entry discuss करिए नलिन बसीन. Bank debited, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। Bank charges account debited to bank account, मेरे account में से पैसे कटेंगे, घर आके नहीं मांगेंगे मेरे, ठीक है। By bank charges करिए बैलेंस फटाफट, पहले कैश के कॉलम का फिर बैंक के कॉलम का। बाय बैंक चार्जेस 200। चलिए जी, लेट्स सी द टोटल, फिर बुक के साथ मैच करेंगे। 0 0, दिस इज 5, दिस इज अगेन 5, 10 है ना, 1,05,500 टोटल, ठीक है। बुक के साथ शायद मैच ना करे, उसने कोई और अल्टरनेटिव किया हो, आंसर मैच करेगा, टोटल नहीं मैच करेगा अगर उसने दूसरे वाला अल्टरनेटिव किया, ठीक है। सो टोटल इज हियर आल्सो 1,05,500, बीच में से मैंने 34,000 माइनस करना है, तो यहाँ पे माइनस देखो, 1,05,500, 34,000 आई नीड टू डिडक्ट, 0, 0, 5, दिस इज 1, दिस इज 7, देखो आंसर।
71,500 is done and it will be on 30th April. और साथ में 1st May को 2 balance brought down लिख के आओगे, ठीक है? फिर से subjective नहीं आना, but he may make a question on it. How you will be writing the closing balance of cash book on which side? One option he may give on the debit side, another will be on credit side, another will be either on debit or on credit, ठीक है? Like that way. This will be by balance carry down. That is, बोलो, 71,500 same for this. चलो जी टोटल करो, 008, 6 और 1 7, 3, 7, done. 77,800 में से माइनस करना है 12,500, 16, 17, 17 और 4, 21, 21,600, 21,28,600. 002 17 9 64 49,200 is the balancing figure of my bank. दोनों के बैलेंस पॉजिटिव है, what is it means? दोनों के डेबिट बैलेंस है, what it means? बैंक में आपका अपना पैसा पड़ा है, that is your own money, you are not owing to bank, means overdrawn balance नहीं है. और कैश इन हैंड तो हमेशा पॉजिटिव ही आता. Your receipts of cash in a month is more than the payment of cash. So this balance indicates the debit balance of both the columns, that is cash as well as bank. Sixth follow up everybody will try. Karo, karna shuru karo. Sixth follow up everybody will try. Students sitting at home, make the format, start doing it. Yes. Aapne hi karna hai. Jahan pe question adega. Yes, sixth follow up see everyone. Goods purchased for 16,800 in cash. 12,200 by check and 8,000 on credit from Rabhya. By purchases, cash में लिखेंगे 16,800, bank में लिखेंगे 12,200 और Rabhya वाली entry cash book में आएगी नहीं क्योंकि वो उधार पे. तो मैं लिखूंगी यहाँ पे common by purchases ना, कुछ amount में cash में लिखूंगी, कुछ में bank में लिखूंगी, Rabhya वाली आनी नहीं है because credit transactions we never enter in our cash book. Rabhya वाली एंट्री कौन कौन से ledger account में जाएगी? सेल ऑफ परचेस ऑफ गुड्स फ्रॉम Rabhya कहां कहां जाएगा? एक Rabhya के ledger account में, एक purchases account, ठीक है जी? By what? Purchases. Cash में कितना खरीदा? 16,800 and 12,200. Come to next. अब सामान बेचा है, Rabhya को उधार पे बेचा है, वो नहीं आएगा. कैश अकाउंट डेबिटेड, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू सेल्स. कैश अकाउंट डेबिटेड 4,600, बैंक अकाउंट डेबिटेड 16,000. बातें नहीं करो, सॉल्व द क्वेश्चन विद मी. टू सेल्स अकाउंट साथ में लिखना होता है. पर्सनल कैश डिपॉजिटेड इनटू बिजनेस बैंक अकाउंट, मेघा आपने एंट्री बोलनी. पर्सनल कैश अकाउंट डिपॉजिटेड इनटू बिजनेस बैंक अकाउंट, घर से अपना पैसा लेके आया और बिजनेस के अकाउंट में जमा करवा दिया. हाँ, एंट्री बोलनी है ना, कैपिटल डेबिट. हाँ, आगे एंट्री कंप्लीट करो, जर्नल एंट्री आई एम आस्किंग, रिपीट इट एंड कंप्लीट इट. हाँ बिल्कुल ठीक है. बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, डन. बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट, हाउ मच एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस है? एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू कैपिटल अकाउंट एंड दैट वी आर ब्रिंगिंग 10,000 बैंक के कॉलम में. 10,000. आगे चलिए. कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, बोलो कॉन्ट्रा. कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक 6,000, कैश अकाउंट डेबिटेड टू बैंक कॉन्ट्रा का सी 6,000 और उधर लिखेंगे बाय कैश कॉन्ट्रा का सी और बैंक कॉलम में 6,000. आगे आपने विड्रॉ पर्सनल यूज के लिए भी किया है ऑन द सेम डे बाय ड्रॉइंग्स. बैंक में से विड्रॉ किया है 4,500 ड्रॉइंग्स. कम टू नेक्स्ट. समृद्धि आपने बताना है इंटरेस्ट चार्ज बाय बैंक, इज इट माय एक्सपेंस और इनकम? फर्स्ट टेल इट. बिल्कुल ठीक, इट इज माय एक्सपेंस, जर्नल एंट्री. बिल्कुल ठीक. इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड टू बैंक बाय इंटरेस्ट, दोबारा बोलो. क्यों इंटरेस्ट होगा? इंटरेस्ट जब
खर्चे का नाम ही बोल दिया तो हम वही लेंगे, और यू नो किसके ऊपर इंटरेस्ट होगा, बैंक ओवरड्राफ्ट पे ब्याज लेगा ना बैंक हम लोगों से, वी आर यूजिंग द मनी ऑफ द बैंक, सो इंटरेस्ट इज एप्रोप्रिएट वर्ड, इट्स नॉट बैंक चार्जेस, दिस इज 1500 इन माय बैंक पर। चलो जी ऐड करो, जल्दी से आंसर निकालो। कैश के कॉलम का टोटल किया 18 और 6 78 600, चेक करो टोटल 78 600 में से 16 800 माइनस करो, पीछे से आंसर चेक करो 008, यहाँ पे रह गया 61 800, बाय बैलेंस कैरी डाउन, बाय बैलेंस कैरी डाउन 61,800, सो 78,600 बैंक के कॉलम का करते हैं 18 और 16 34 34 और 10 44 44 900, टोटल चेक करो, वो साइड बड़ी होगी भाई क्योंकि ओवरड्राफ्ट बैलेंस से स्टार्ट हुआ था, दैट साइड सीम्स टू बी ग्रेटर, मैंने करना इसका भी टोटल था मैंने करके रख लिया, चलो वो करते हैं 32 और 13 45 45 और 15 57 57 और 10 57 67 68 68, तो राउंड ऑफ है बाकी सारे करते हैं, 2 और 2 4 4 और 1 1400, बिल्कुल ठीक है 69,400 दीपांशु, ऑल राइट, दिस इज 44,900 आई हैव टू डिडक्ट, 0 0 5 8 4 2 24,500 आएगा, 2 बैलेंस कैरी डाउन चेक करो, 24,500 इज द क्रेडिट बैलेंस ऑफ योर बैंक कॉलम, मींस ओवरड्राफ्ट बैलेंस ही मेरा ओपनिंग बैलेंस था और ओवरड्राफ्ट बैलेंस ही मेरा क्लोजिंग बैलेंस है, स्टिल आई एम लायबल टू पे बैक टू द बैंक because I deposited less, I withdrawn more, ठीक है, done, इसका कहां पे लिखना है, two balance carry down, उसका कहां पे लिखना है, by balance carry down, total match करवाओ, इसका इस साइड का बड़ा है टोटल 69,400, इस साइड पे भी 69,400, इसका by balance brought down लिख दो, आगे जब brought down करना है bank column का, that is 24,500, उसका इस साइड पे लिख दो, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, क्रॉस देखना ऐसे क्रॉस बना, इंटरचेंज रिवर्स साइड, डेबिट वाला क्रेडिट पे, क्रेडिट वाला डेबिट पे, ब्रॉट डाउन कितना 61,800, इज इट मैचिंग विद द बुक, आंसर दे रखा होगा पीछे फॉलो अप का, सो अगेन इट्स योर टर्न टू सॉल्व नेक्स्ट फॉलो अप, इलस्ट्रेशन सॉल्व है भाई आप अपने आप करोगे, यस जीएसटी मैं एक कल करवा दूंगी, ठीक है, एक मैंने जीएसटी का क्वेश्चन करवाना है, देन ऑल थिंग्स विल बी ओके विद यू, कल का दिन और मंडे मैंने लगाना बस इस चैप्टर को, देन वी विल स्टार्ट रिवीजन, जितना कल सैटरडे और मंडे तक हो जाएगा दैट विल कम इन योर पेपर, राइट, 1 और 2 केस स्टडी, क्योंकि चैप्टर ही हमारे 4 हुए हैं तो ज्यादा केस स्टडीज बनती नहीं है, या तो 5 क्वेश्चन केस स्टडीज में डालूंगी या 6, थोड़ा सा डिस्कस करते हैं रिवीजन टेस्ट, तो चलो है वो तो आपको आइडिया हो ही जाना, रिवीजन टेस्ट इज गोइंग टू बी ऑफ 20 मार्क्स, आप पहले पेपर का देखिए अबाउट योर PG2, इट्स गोइंग टू बी ऑफ 40 मार्क्स, राइट, हाँ, केस स्टडी कैन बी अ फुल फ्लेज पेज, विल बी बेस्ड अपॉन योर फर्स्ट चैप्टर बेसिक टर्म्स, हो सकता है बीच में कोई आइडेंटिफिकेशन ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल या कॉन्सेप्ट हो सकता है, बीच में कोई जर्नल एंट्री का हो सकता है, इवन आई कैन इंट्रोड्यूस द टॉपिक ऑफ कैश बुक इन दैट, दैट डिपेंड्स अपॉन माई ओन क्रिएटिविटी एंड हाउ आई फ्रेम दैट केस स्टडी, केस स्टडी मीन्स अ स्टोरी टाइप, like so and so started the business, he invested the capital, then he took the money from his friend as a loan, he sold the goods on credit basis, he purchased the machinery, for example he opened a cafe, computer cafe, he bought so many computers to run his business, he appointed a person as an attendant jisko wo salary deta hai, to kuch is tarah se kahani bana ke we will be having a case study in the paper, it may comprise 5 or 6 questions, theek hai, 40 number kaise cover honge, then we have assertion reason, कितने चैप्टर हुए हैं कुल मिला के, बेसिक टर्म्स, सेकेंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, थर्ड अकाउंटिंग इक्वेशन, चौथा वाउचर्स एंड सोर्स डॉक्यूमेंट, पांचवा जर्नल, देन जीएसटी एंड देन कैश बुक, 7, सो 7
कैश बुक बोल तो दिया, आठ है ना, आठ है, आठ है, दोबारा बोलो, वाउचर बोल दिया मैंने, ओके सेवन और एट assertion एंड रीजन क्वेश्चन होंगे, डन, किसी एक चैप्टर में से दो भी हो सकते, डन, सेवन और एट, कितना बन गया यहाँ पे, तेरह नंबर, मैच द फॉलोइंग होंगे, कोई दो, ओनली टू, ठीक, कितना बना यहाँ पे, आठ और दस, पंद्रह, पंद्रह या सोलह, बाकी कितना रह गया हमारा, और कोई कैटेगरी है, यही है ना, assertion reason है, case study, मेरे को लगता है case study I should find or I should make two case studies, this I am thinking right now when I am discussing it with you, बाकी जो 24 नंबर हैं that will be simple and complex MCQs, complex means calculation based, calculation based like I can ask you find out the closing balance of cash in hand, I will be giving you certain figures, ठीक है, मैं एक छोटा सा question बनाऊंगी cash book का, जिसमें चेक इन हैंड वाला भी होगा, क्रेडिट ट्रांजैक्शंस भी होंगी, एंड इन दैट वे यू विल बी फाइंडिंग, लेजर का मैं जर्नल एंट्री की ऑप्शन डालूंगी, ठीक है, कौन सी जर्नल एंट्री लेजर के कौन सी साइड पे जाएगी, या मैं कोई जर्नल एंट्री खुद दूंगी और फिर बताऊंगी लेजर में कहां पे जाएगी, फिर मैं लेजर की पोस्टिंग छोटा सा लेजर अकाउंट बना के उसकी जर्नल एंट्री पूछूंगी रिवर्स भी, ठीक है, मान लो आई एम गिविंग वन जर्नल एंट्री एंड आई एम आस्किंग यू टू राइट द नरेशन, तो यू हैव टू चूज द नरेशन, दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग यू द वे वी कैन फ्रेम द क्वेश्चन, so it's not going to be easy, it's going to be tough, and firstly in 20 marks revision test you will come to know the level of the paper, right, 20 marks mein bhi 5 assertion reason honge, theek hai, ek case study hogi jisme 5 question honge, 10 ye hoge, baki 10 complex or simple mcq honge, it is not going to be so like goods sold to Mr. Amit, who is Amit for me, it's not going to be like this, theek hai, it's going to be tough whereby analysis analytical base, your intellectual level we want to check. Have you read the content thoroughly or not? This is going to be checked in your paper, right? So all the best. Monday देखते हैं कैसा attempt करते हो.